दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल्स में। और आज है लेक्चर नंबर 13, आपको लेकर मैं आया हूँ। और काफ़ी आप बहुत बात इसमें मैं बता चुका हूँ यूनिट 4 में। और हो सकता है दोस्तों, ये लास्ट आपको मैं यूनिट कराऊँगा, यूनिट के लास्ट लेक्चर। और हो सकता है कि मतलब एक और बन सकता है, तो आप उससे मत करवाइएगा। तो आई टॉक अबाउट सेम यूनिट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लेक्चर नंबर 13। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं जहाँ से वहाँ पर एक दिन आपको लेक्चर नहीं आ पाए थे, मैं थोड़ा बिजी हो गए थे इसलिए नहीं आ पाए थे। अब मैं आपको चलता हूँ। अब आपको मैं एक बार चार्ट दिखा रहा हूँ। चार्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़ रही है। बाई होम लाइब्रेटरी ऑफ ज्वाइंट परमिशन एंड प्रोमिसी, ये भी आपको मैं पढ़ा दिया था। राइट ऑफ ज्वाइंट परमिशन, ये सब सारा आपको हो गया है। आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विद नीड टू परफॉर्म डिस्चार्ज कर दिए, तीन पढ़ाना है। तो मैं चलता हूँ, आपको नीचे दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप मतलब आपको मैं मेरा पढ़ाना बाकी है। और काफ़ी आप पीछे लेक्चर देख चुके होंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे बात देखने के लिए मिला होगा, तो ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। और सीधे मैं आपको नीचे लेकर आता हूँ, वहाँ पर आपको बहुत सारे इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो और लेक्चर नंबर 40 में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल सकता हूँ, इसलिए आप ये इसमें ख़त्म हो जाए तो आपको वहाँ तक बचेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फाइनली आप पहुँच चुका हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। और ये इसको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 59 to 61, यानी कि 59, 60 और 61 तीन है ऐसे जो आपको इसने में डिफाइन कर रखा है। तो समटाइम्स अ डेटर्स ओन सेवरल डेब्ट्स टू द सेम क्रेडिटर एंड मेक पेमेंट व्हिच इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज ऑल द डेब्ट्स। इन सच केस द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द डेब्ट एज सेक्शन 59 to 61 इंडियन क्रेडिट 59 और दे सकते हैं। देखो, इसमें तीन बात है जो आपके ठेक ठेक दे रखे हुए। इस पहले दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, और दूसरी में देखा एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वे डेब्ट टू डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। और लास्ट कह रहा हुआ एप्लीकेशन पेमेंट वे नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट। ये तीनों प्रोविजन आप बस इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया। और किस स्टडी में कैसे स्टडी कैसे पूछा जाता है, नहीं होगा तो आपको बता रहे थे ना कि अगले मतलब लेक्चर में, लेक्चर नंबर 40 में आपको दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। तो ये 59, 60, 61 देख सकते हो। वेर अ डेटर वेन सेवरल डेट वन पर्सन मेक्स अ पेमेंट हिम आइदर एक्सप्रेस इंटीमेशन ऑनर सर सस्पेंशन अप्लाइड पेमेंट इज अप्लाइड टू डिस्चार्ज सम पर्टिकुलर डेट ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेड अप्लाइड अकॉर्डिंगली। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अब इससे केस स्टडी कैसे बनता है जो मैं आपको वहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप यकीन करें और मैं उसको केस स्टडी बेस में मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है, इसलिए आपको केस स्टडी वाई ए कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज। अब दोनों पार्टी के कंसेंट से भी मतलब परफॉर्म नहीं होता है, तो वो आप नीचे देख सकते हैं। पहला बात इफेक्ट ऑफ नोवेशन रजिस्ट्रेशन अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 62 में ही आता है। और सेक्शन 62 क्या कहते हैं, इफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट टू रिजाइन ऑल्टर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। तो आपको नीचे देखना है इफेक्ट ऑफ नोवेशन, उसी का जो मतलब आपको थोड़ा एनालिसिस कर दिया है। और आपको नीचे एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल से आप बेहतर कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो खास करके आपको मैं एग्जांपल से ही अच्छे समझाता हूँ। तो मुझे जैसे ओ ए ऑफ बी रुक ने 1 लाख, ए बी एन सी ग्रेटर सिविल पे बी एनुअल से पूर्व 1 लाख, ए बी यू क्या दिया ऐसे दिया,
1 लाख डिग्री बाद कि पे रिसेप्ट 1 लाख फ्रॉम सी बाड़ा लिव लिव सम ड्यू फ्रॉम ए लाइबिलिटी देयर सेल कम टू इन द इन एंड ऑल कांटेक्ट बिटवीन ए एंड बी सब टू बाय द न्यू कांटेक्ट बी एंड सी। अब इसे कांटेक्ट और के दूसरे से क्या कर लिया, कांटेक्ट कर लिया। चलते अटोरेशन और रिसेशन आप देख सकते हैं, अल्टरनेशन ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं। ये रहा आपको इफेक्ट ऑफ अल्टर सेक्शन 62 जहाँ 63 के आपने प्रोमिस में वेब और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, ये आपको सेक्शन 63 डिफाइन करते हो क्या बोला गया। एवरी प्रोमिस मेड फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ए और बी रूट कितना 5 लाख ए पे टू बी एंड बी एस एफ ओके इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेप्ट रूट 2 लाख पेड एट द टाइम जरूर 5 लाख वे रिपल द डेप्ट जी सर। और जब आप ऐसे इतने टाइम में बोलता है ना कि मैं चलो आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ इतने पैसे, तो हुआ ये 63 आपको ये बोला जाता है। और 64 में ये रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट ऑन अवेलेबल कॉन्टैक्ट, अगर एग्जाम्पल आप जो बेहतर समझ जाओगे। और इसके आप प्रोविजन में प्राइन एवरी प्रोमिस मेड डिस्पेंस विथ और रेमिट होल और इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस और मे एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ इट एंड सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक्स फिट इन अदर वर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिस्चार्ज बाय रेमिशन। फिर आपको इसमें बताया गया था जो आपको मैं डाल दिया। अब आप आइए नीचे रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आ गया। सेक्शन 64 में बहुत बार बोलेंगे एन इंश्योरेंस कंपनी में रिजाइन ऑफ पॉलिसी ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज, जैसे आप वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि हाँ वॉइडेबल अगर कोर्सर में कोई बेनिफिट लेना दोस्तों तो क्या कर सकते हो रिटर्न और पैसे ले सकते पे कर रहा था सेम उसी तरह अगर वॉइडेबल कोई बेनिफिट ले रहा है तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या रजिस्टर कर गया। 65 पर्सन हु हैज रिसीव एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ए पे भी 1 लाख इनको जैसे पर भी प्रोमिसिंग टू मैरिज सी एज डॉटर सी डिड ऑल द टाइम द प्रोमिस एग्रीमेंट इज वेरी मोस्ट बिल्कुल सिंपल सा आपको क्वेश्चन में ए बोला कि हाँ जब अगर बी सी से क्या कर गया हमारे तो बस डेट हो गया उसको 1 लाख रुपये दे दो। वही बोलता है कि अगर वॉइड एग्रीमेंट कुछ कर रखे तो उसमें फायदा ना उठाए एप्लीकेशन और पर्सन जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वो आगे वो कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन में क्या है सेक्शन 66 है। यू नोटिस दैट अ कॉन्टैक्ट वेरिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन बी रिजाइन बट रिजाइन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पार्टी इन द सेम मैनेजर प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द कॉन्टैक्ट रिसेशन। ये कुछ ना कम्युनिकेशन रजिस्ट्रेशन आपको मैं उधर ही बता दिया था। और लास्ट में इफेक्ट होने के लिए प्रोमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, तो एग्जाम्पल जी देख सकती है व्हेन अप्रेंटिस रिफ्यूज टू लर्न द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन टीचिंग, सीधा सीधा बात है। जो लास्ट आपको डिस्चार्ज ऑफ कॉन्टैक्ट बच रहा है बस इसका पॉइंट आपको याद रखना, कभी पूछ देता है तीन चार के अभी डिस्क्राइब करने के लिए बोल देता है। तो पहला वर्ड डिस्चार्ज में परफॉर्मेंस हुआ, डिस्चार्ज में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, डिस्चार्ज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, डिस्चार्ज में लैप्स ऑफ टाइम है, डिस्चार्ज में ऑपरेशन ऑफ लॉ है, डिस्चार्ज में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और प्रोमिस में वेट और परफॉर्मेंस आपको उसमें पढ़ा दिया। इफेक्ट ऑफ नेगलेक्ट ऑफ प्रोमिस टू अफेयर प्रोमिस रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस आप उसमें देख लिया मुझे राइट। ये जो आपके 9 है आपको 9 पॉइंट याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है अटेम्प्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस।
टेम्पटेड पर मैं उसका एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट टू सेल इज कार टू बी ऑन द एग्री प्राइस एज सुन एज द कार इज डिलीवर टू बी एंड बी डेविड प्राइस फॉर इट कॉन्टैक्ट यू टू एंड द परफॉर्मेंस जॉब कर डिचार्जर म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्जाम्पल से पता कि ये दोस्तों आपको डिचार्जर वही कॉन्टैक्ट ये आपको पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि अगर हो सकता है कि आगे चल के मतलब ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पॉइंट लिप कम से कम आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यही तक रखूँगा, और अगले वीडियो थोड़ा किस सेक्शन या किस स्टडी कैसे कैसे किया जाता है एक वीडियो और बनाऊँगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि आपको समझ लीजिए इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा, और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।